नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक सीधे लद्दाख से। मेरे पीछे जो आप बोर्ड देखेंगे, पेंगोंग लेक की तरफ जाता हुआ ये रास्ता और उसी ओर गतिरोध की वो सारे इलाके जहां पर चीन ये कह रहा है कि हिस्सा हमारा है। गलवान घाटी खास करके, जहां पर 1960 के दशक में भी हमने इस तरह की गतिविधियां देखी थी, 62 के युद्ध के बाद किस तरह से चीन ने वहां पर अपनी नापाक साजिशें रची थी। 58 साल बाद अगर आज ऐसी तस्वीर वहां पर नजर आ रही है फिर, तो जरूरी है कि उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाए। सैटेलाइट की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। प्लैनेट लैब्स की ये तस्वीरें 15 जून को भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव के 24 घंटे के भीतर खींची गई हैं। इन तस्वीरों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष और उसके बाद की स्थिति का पता चलता है। सैटेलाइट सबूतों से पता चलता है कि चीनी सैनिकों की संख्या कहीं ज्यादा होने और अपने 20 जवानों की शहादत के बावजूद भारत के जांबाज सैनिकों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। ग्राउंड जीरो से आई 16 जून की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें बताती है कि चीन की तरफ भारी सैन्य तैनाती हुई है। चीन ने 6 जून को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में हुए तनाव घटाने के समझौते का सम्मान नहीं किया और अवैध कब्जा नहीं छोड़ा। 1962 की लड़ाई के बाद पहली बार गलवान घाटी में इतनी जबरदस्त हिंसक झड़प हुई। इस बार भी चीन ने ही विश्वासघात किया। चीनियों के इस धोखे का सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं सरकार के लहजे से साफ है कि चीन को इसका हिसाब देना होगा। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। गलवान घाटी में 58 साल पहले भी चीन ने भारत के साथ धोखा किया था। 1961 में चीन की सेना पीएलए ने कोंग काला में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था। बदले में भारत ने गलवान और पेंगोंग झील के बीच का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। इस तनातनी के बीच 1962 में भारत और चीन की सेना आपस में भिड़ गई। जुलाई 1962 में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने सैम जंग लिंग में चीन के पोस्ट की संचार लाइनों को काट दिया। तिल मिलाकर चीन ने इस पोस्ट को तबाह करने के लिए पूरी बटालियन भेज दी। बहादुरी से लड़ते हुए भारत के 33 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसके बाद चीन ने अक्साई चीन और ऐसे कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया जो उसके मुताबिक सामरिक महत्व रखते थे। गलवान में वो पीछे हट गया था और तकरीबन तब से लेके अभी तक ये नॉन डिस्प्यूटेड एरिया था। अभी इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस चीन को समझ आई जब हिंदुस्तान ने दौलत बेग शोक और दौलत बेगी तक रोड बनानी शुरू की और एक मेट्रो रोड गलवान तक बनाई। चीन को जब इसका सामरिक महत्व समझ आया तब उसने इन इलाकों में तेजी से सड़क निर्माण करना शुरू किया। अब चीन के सैनिक बड़ी आसानी से LAC तक गाड़ियों में पहुंच जाते हैं। गलवान के आसपास बुनियादी ढांचा खड़ा कर चुका चीन अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। गलवान में अब वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं जैसे करगिल में बने थे। उस वक्त पाकिस्तान को खदेड़ने वाले महावीर चक्र विजेता और लद्दाख स्काउट्स के कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल सोनम वांगचुक दावे के साथ कहते हैं
कि लद्दाख स्काउट्स के जवान आदेश मिलते ही चीन के दांत खट्टे कर सकते हैं। माउंटेन वॉरफेयर में हम लोग जो है सिद्ध हैं, और किसी भी तरह का टास्क अगर दिया जाए लद्दाख स्काउट्स को तो उन लोगों ने उसको बखूबी निभाया है हमेशा, और अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है लड़के वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, जहाँ भी इन केस अगर उनको हुक्म मिलता है तो वो अपने सर आंख पे वो हुक्म रखेंगे। 1962 में भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय भी तनाव इस गलवान घाटी से ही शुरू हुआ था। एक बार फिर इस घाटी को लेकर भारत चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। चीन ने धोखे से हमला कर अब तक की सारी बातचीत को पैंतरेबाजी साबित कर दिया है। वहीं जिस तरह वो पूरी गलवान घाटी पर दावा कर रहा है उससे तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी और लेह में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गलवान घाटी को लेकर यह लड़ाई क्यों चल रही है उसे समझना भी जरूरी है, सामरिक तौर पर इसका महत्व जानना जरूरी है, क्योंकि एक बार चीन ने अक्साई चिन तक कब्जा कर लिया उसके बाद अपनी पैठ को बनाए रखने के लिए उसे स्ट्रेटेजिक महत्व समझ में आ रहा था गलवान घाटी का, लेकिन भारत ने अपने पांव अड़ा दिए हैं क्योंकि सामरिक तौर पर इस घाटी की महत्ता दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। के बाद पहली बार भारत चीन के बीच हिंसक झड़प का गवाह बनी गलवान घाटी चीन और भारत दोनों के लिए बेहद अहम है। भारत अब तक यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर काबिज रहा है और सामरिक तौर पर उसने अपनी बढ़त को बनाए रखा था। दरअसल 1962 की जंग में चीन ने पूरी गलवान घाटी को कब्जे में ले लिया था, लेकिन बाद में उसे छोड़कर चला गया। इस बार वो गलवान घाटी को अपना बता रहा है और भारत से कह रहा है कि वो इसे छोड़कर जाए। आखिर इसके पीछे चीन की चाल क्या है? अगर हम गलवान की हाइट्स के ऊपर छा जाते हैं तो हम जो नेशनल हाईवे 219 है जो एक्साई चीन को काराकोरम और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, हम उसकी लाइफ लाइन को कट कर सकते हैं। हम उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन और फायर गिरा सकते हैं, बिल्कुल उसी माफिक जैसे कारगिल के माध्यम से पाकिस्तान हमारी लाइफ लाइन से दखल अंदाजी कर रहा था। शी जिनपिंग एक साथ कई निशाने साधना चाहते हैं। एक तरफ वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारत की दखलंदाजी से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भारत के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड और वहां तक जाने वाली दुर्बक श्योक रोड पर नजर रखना चाहते हैं। सीपेक की जहां तक बात है तो चीन के कशगर से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाने वाली सड़क पीओके से होकर गुजरती है। अगर हिंदुस्तान की फौज गलवान की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद रहेगी तो वो जब चाहे इस हाईवे को निशाना बना सकती है। इस वजह से ही अप्रैल के आखिर में गलवान की पहाड़ियों पर आकर बैठे चीनियों ने सबसे पहले भारत की ओर से अपने हिस्से में बनाई जा रही सड़क के काम को रुकवाने की कोशिश की। दूसरी तरफ भारत अच्छी तरह चीन की मंशा को समझ चुका था। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को कड़े शब्दों में आईना दिखा दिया। जयशंकर ने कहा, गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की सोची समझी साजिश और कार्रवाई थी जिसके चलते घटनाएं होती चली गई। इससे जमीनी हालात को बदलने की उसकी मंशा साफ हो गई। आज तक को मिली सैटेलाइट की तस्वीरें भी दिखाती हैं कि चीन ने पूरी गलवान घाटी में कितनी बड़ी तादाद में फौज इकट्ठा कर ली है और यहां से वहां तक तंबू लगा रखे हैं। दूसरी तरफ वादों से पलटकर हिंसक झड़प करने वाला चीन 2013 में किए उस समझौते से भी मुकर गया जिसमें उसने माना था कि भारत लद्दाख में विकास के काम कर सकता है। यही वजह है कि करगिल युद्ध में पाकिस्तान को सबक सिखा चुके कर्नल सोनम वांगचुक कहते हैं कि भारत को हर हाल में अपने इलाके में सड़क का निर्माण करना चाहिए ताकि हमारी सेना भी चीन की तरह LAC तक आसानी से पहुंच सके। ये जो हमारा इलाका है उसमें मेरे कोई इसमें गलत काम नहीं है। इनकेस हमारा अपना इलाका है उसमें हम चाहे जो भी करें, ये जो हमारा कार्रवाई है, ये जो हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स हैं, उनको किसी भी दबाव के अंदर आके हमें बंद नहीं करना चाहिए और ये हमें कायम रखना चाहिए। हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, दिल्ली से लद्दाख पहुंची आज तक की टीम ने भी देखा कि सीमावर्ती इलाके पर सड़क निर्माण के लिए मजदूरों को लगातार भेजा जा रहा है।
जब हम लद्दाख की तरफ आ रहे थे उस समय भी जो मजदूर हैं जिन्हें बॉर्डर रोड्स बनाने की जिम्मेदारी है उन्हें हवा के रास्ते यहां पर अब भेजा जा रहा है और एक एक करके जैसे जैसे यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें लेह से आगे उन सीमावर्ती इलाकों में भेजा जा रहा है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा है वो किसी भी तरीके से रुके नहीं। भारत के इलाके को अपना बताने वाला चीन गलवान पर एक और वजह से दबाव बना रहा है। नक्शे पर नजर डालें तो गलवान अक्साई चीन से सटा हुआ है। अक्साई चीन पर चीन पहले ही कब्जा जमा चुका है और अब गलवान पर जबरन दावा कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत शिनजियांग और तिब्बत के बीच बने नेशनल हाईवे 219 तक आसानी से पहुंच जाए। इस वजह से ही वो पूरी गलवान घाटी पर जबरन कब्जा जमाने की प्लानिंग के साथ आया जिसे भारत किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा। लेह में श्वेता सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। जमीन पर चीन के सिर्फ दावे होते हैं, हकीकत में दस्तावेज और बाकी सबूत हिंदुस्तान के साथ ही हैं। गलवान घाटी को लेकर दावा भले ही चीन का हो लेकिन वो व्यक्ति जिसके नाम पर गलवान घाटी का नाम पड़ा है यानी गलवान रसूल, उनकी तीसरी पीढ़ी आज भी यहीं रहती है। गलवान घाटी पर चीन अपना दावा करता है लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन इस घाटी के लिए महज एक घुसपैठिया है। इस घाटी की खोज एक गाइड गुलाम रसूल गलवान ने की थी जो मूलतः कश्मीर के थे और लद्दाख में आकर बस गए थे। ये किताब इसका बड़ा सबूत है कि गलवान भारत का है। सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की इस किताब को गुलाम रसूल गलवान ने टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा था। इसमें गलवान ने अंग्रेज खोजकर्ताओं के साथ घाटी में घूमने के अपने अनुभवों को दर्ज किया है। साल 1899 जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और डनमोर और फ्रांसिस यंग हस्बैंड समेत करीब 15 खोजकर्ता अंग्रेज ट्रैकिंग कर रहे थे, इस दौरान वो रास्ता भटक गए। तब उनके गाइड गुलाम रसूल गलवान ने उनकी मदद की और इस घाटी के एक रास्ते से उन्हें बाहर निकाला। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने इस नाले का नाम गलवान नाला रख दिया। कमाल की बात ये कि आज भी लेह में गुलाम रसूल गलवान की तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते रह रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में अमीन गलवान ने इस बात पर मुहर लगा दी कि गलवान घाटी की खोज उनके दादा ने ही की थी। सर फरनान यंग हस्बैंड जो एक्सप्लोरर और टेकर मशहूर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उनको वहाँ से रास्ता भटक गया। अच्छा। तो रसूल गलवान ने वो जिम्मेवार था कि वो कहाँ से निकले, तो रसूल गलवान ने रास्ता दिखा के उस काबिले से निकाल दिया। तो अंग्रेज लोग बहुत खुश हो के उस जगह को जगह का नाम गलवान रसूल यानी गलवान नाले के नाम रखा है। गलवान की उम्र उस वक्त महज 12 साल थी लेकिन इलाके की जानकारी और सूझबूझ में उनका कोई जोड़ नहीं था। इस वजह से ही अंग्रेजों ने उन्हें अपने कारवां का गाइड चुना था। उनके पोते का कहना है कि गलवान पर चीन का दावा सरासर गलत है। वो कहते हैं कि गलवान भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहना चाहिए। आपको अभी कैसा लगता है जब चाइना बोलता है कि नहीं ये हमारा है, हमारे हिस्से में रहे? बिल्कुल नहीं है चाइना का, ये लद्दाख, ये हमारा हिंदुस्तान का है। हाँ। हिंदुस्तान का रहेंगे। हाँ। और हम लद्दाख की भी इसके पीछे बहुत जोर लगाएंगे। अगर चाहे तो हम आर्मी के साथ शाना बशाना करके हम उस जगह को लेने के लिए वॉलंटियर तैयार। आज चीन इस इलाके पर झूठा दावा कर रहा है लेकिन सच यही है कि गुलाम रसूल गलवान के समय में अंग्रेज भारत की उत्तरी सरहद को तय करने निकले थे। उन्हें तिब्बत की ओर रूसियों के बढ़ते कदम की चिंता सता रही थी। तब तिब्बत भी अंग्रेजों के पास था जिस पर बाद में चीन ने कब्जा जमा लिया। अब चीन गलवान में चोरों की तरह घुसने की हरकत कर रहा है और भारत को आंख भी दिखा रहा है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलवान घाटी को लेकर जिस तरह के दावे चीन कर रहा है वो अपने आप में दिखाते हैं कि चीन किस तरह की दादागिरी कर रहा है, क्योंकि इतिहास से लेकर वर्तमान तक हर एक चीज इस बात का प्रमाण है कि न सिर्फ गलवान घाटी बल्कि अक्साई चीन का पूरा इलाका हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की आवाज लगातार तेज होती जा रही है क्योंकि इंच इंच भूमि अगर लद्दाख की लेना चाहता है चीन तो यहां के लोग भी चाहते हैं कि वो डटकर मुकाबला कर लें।
लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान बता दे कि ये 1962 नहीं है, 2020 है। गलवान घाटी में चीन की दगाबाजी की खबरें सुनकर लद्दाख के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी चीन ने जब जब भारत की तरफ आंख उठाकर देखा, तब तब लद्दाख के लोगों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन का मुकाबला किया है। इस बार लद्दाख के जन प्रतिनिधि कहते हैं कि चीन देख ले कि ये 1962 का नहीं, 2020 का भारत है। हमेशा मरते दम तक हमारे पे जोश और जज्बा रहेगा, तो उसके लिए वो पूछने वाली बात है भी नहीं है। हम सब इसके लिए हम 24 घंटा हम यही सोचते हैं कि हम कब हमें मौका मिले, ऐसे मौका मिलने पर हम रेडी बैठते हैं हमेशा। लद्दाख में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं जो रिटायर होने के बाद भी देश के लिए सरहद पर जाने को तैयार हैं। ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो इसमें जॉब देना चाहिए, क्योंकि आज के जो हिंदुस्तान के जो फोर्स है, जो हिंदुस्तान की जो अभी लेवल जो है 1962 की उस लेवल पे नहीं, तो अभी जो है 2020 का भारत है, तो उस हिसाब से हमें जॉब देना चाहिए बिल्कुल। लद्दाख के लोग चीन की चाल बरसों से देखते आए हैं, यही वजह है कि वो चाहते हैं कि चीन इस बार अच्छी तरह सबक सीख कर जाए। बाकिर चो लेह आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।